तुम डिलीट कैसे करते हो हमेशा हमेशा के लिए। बहुत सारे हमें कमेंट्स आए हैं कि फेसबुक अकाउंट को सर डिलीट करने के लिए आप कोई तरीका बताएं या उसका वीडियो बना बनाए। इसलिए मैं सोच रहा था मैं एक वीडियो बना दूं तो आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे आदमी को समय नहीं है फेसबुक चलाने के, वो दिन दिन भर काम में लगे रहते हैं जिसके कारण वो सब फेसबुक नहीं चला पाते हैं, उनके पास समय नहीं है। इसलिए उन लोगों के लिए अकाउंट बंद करने के लिए मैं ये तरीका लेकर आया हूँ। सबसे पहले मेरा अपने यूट्यूब बिंदास लाइव चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे जो है www.facebook.com पे सर्च कर लें, लिख लेंगे सर्च बार में। अगर आपके पास ऐसा फेसबुक का सिंबल है तो वहाँ पे क्लिक कर दें। फिलहाल मेरे पास यहाँ फेसबुक का सिंबल है, लोगो है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। चलिए मैं फेसबुक पे क्लिक किया और देखिए ये फेसबुक खुल गया है। अब मैं आपने अगर फेसबुक पर जो आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बनाया था, आप यहाँ पे लॉग यहाँ जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो मांगा है यहाँ पे आप डाल दें और लॉगिन पे क्लिक करें। चलिए ये देखिए मैं फेसबुक में लॉग इन हूँ, इसमें यहाँ पे खुल गया। तो सबसे पहले अब क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे जो है एक दाएं साइड में यहाँ पे एक ताला का निशान है जो लिखा हुआ है प्राइवेसी शॉर्टकट। प्राइवेसी शॉर्टकट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे पहले क्लिक करिए। देखिए एक यहाँ सब टाइप का एक सिंबल आ गया। यहाँ पे आप जो है सर्च बार में यहाँ पे कोने साइड में क्लिक करें, यहाँ लिखिए डिलीट। ये मैं डिलीट लिखने वाला था मगर ये ऐसा आपका पॉपअप खुल गया। अगर आपके स्क्रीन पर ऐसा नहीं खुला तो आप डिलीट करके सर्च करके आप खोल सकते हैं। चलिए फिलहाल मेरा खुल गया है। तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब इसमें से कौन सी चीज़ करने हैं हमें ये भी बता रहा हूँ और सब ऑप्शन के बारे में भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले है हाउ कैन आई एडजस्ट माई प्राइवेसी सेटिंग। ये देखिए ये प्राइवेसी सेटिंग के लिए एडजस्ट बोल रहा है करने के लिए, मैं ये नहीं करूँगा। फिर मैं यहाँ जो है डिलीट ऑप्शन लिखूँगा चलिए मैं डिलीट ही लिखा यहाँ पे। ये देखिए अब जो यहाँ पे आ गया है एक फाइल खुल गया है, यहाँ लिखा हुआ है हाउ डू आई डिलीट एल्बम। यहाँ इसका मतलब हुआ मैं अपने एल्बम को डिलीट कैसे करूँ। ये अगर आप अपने एल्बम को डिलीट करना चाहते तो इसमें जाए। दूसरा नंबर लिखा हुआ हाउ डू आई डिलीट ए प्रोफाइल पिक्चर, मैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को कैसे डिलीट करूँ, ये यहाँ पे आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तीसरा लिखा हुआ हाउ डू आई क्रिएट इड और डिलीट ए नोट, आपने जो नोट ऐड किया है या लिखा है उसे आप डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल मैं ये सब नहीं लूँगा, मुझे फेसबुक अकाउंट पूरी तरीके से बंद कर लिए हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे नीचे से एक दो पहला और दूसरा ऑप्शन क्लिक करूँगा। चलिए यहाँ पे जो है नीचे से दूसरा नंबर से लिखा हुआ हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माय अकाउंट, इसका मतलब हुआ कि मैं अपने अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करना चाहता हूँ। तो आपने तो सोच ही लिया है कि मैं अपने अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करूँ, तो चलिए यहाँ पे आप क्लिक करिए। तो एक जो है एक पॉपअप खुल गया, एक पेज खुल गया है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अगर आपके फेसबुक अकाउंट पे कोई आपके इम्पोर्टेंट फोटो हो, वीडियो हो या नोट्स वगैरह हो तो आप उसे जो है डाउनलोड कर ले या सेव कर ले, क्योंकि डिलीट होने के बाद जो है फिर परमानेंटली अकाउंट डिलीट होने के बाद वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा होगा कि आप उसे सेव कर ले। तो चलिए आप
अगर सेट कर लिया होगा तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेट्स अस नाउ पे क्लिक करिए, लेट्स अस नाउ पे क्लिक करने के बाद एक फिर से पेज खुल गया। यहाँ लिखा हुआ डिलीट माय अकाउंट, डिलीट माय अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ डिलीट माय अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है व्यू वाले पर। एक पेज खुल गया, यहाँ लिखा हुआ परमानेंटली डिलीट अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा। तो आपने जो पासवर्ड फेसबुक पे जो पासवर्ड बनाया है उसी को यहाँ पे आप डालिए। पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड होगा आप वहाँ वही पासवर्ड यहाँ पे यूज करें। मेरा जो पासवर्ड था मैं यहाँ पे डाल दिया, चलिए यहाँ पे आप कैप्चा में डालते हैं। इस कैप्चा में डाल रहा हूँ, चलिए यहाँ पे कैप्चा मैंने डाल दिया। अब यहाँ जो है कैप्चा डाल दिया, अब जो है सॉरी जहाँ गलती हो गया थी, चलिए मैं यहाँ पहले सुधार देता हूँ। कैप्चा जो गलत डालने का फिर से कैप्चा मांगेगा यहाँ, तो मैं गलती ना करूँ। चलिए कैप्चा में सही डाल दिया, यहाँ पे ओके पर क्लिक करिए। चलिए एक फिर से पेज खुल गया, यहाँ लिखा हुआ परमानेंटली डिलीट अकाउंट, इसके नीचे लिखा हुआ है जो अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड फ्रॉम द साइट एंड विल बी परमानेंटली डिलीट विद इन 14 डेज। ये बोल रहा है आप अपने आपके अकाउंट को हमेशा के लिए डीएक्टिव या डिलीट होने के में 14 दिन का वक्त लग सकता है। उसके बाद लिखा हुआ इफ यू लॉग इन टू योर अकाउंट विद इन द नेक्स्ट 14 डेज will have the option that cancel of request। अगर आपने अपने अकाउंट में फिर से लॉग इन किया तो आपका अकाउंट नहीं बंद होगा, फिर से चालू हो जाएगा वो। अगर आप अपने रिक्वेस्ट जो आपने परमानेंटली डिलीट अकाउंट का आपने रिक्वेस्ट किया है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो रिक्वेस्ट को पूरा होने के 14 दिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं डिलीट तो लॉग इन करके फिर से चालू कर ले। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वैसे रहने दें, 14 दिन के भीतर जो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ये चलिए फिर मुझे बंद करने हैं हमेशा के लिए, तो चलिए यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा अकाउंट पूरी तरीके से बंद अभी नहीं हुआ, इसमें 14 दिन का वक्त लग सकता है। और ध्यान रहे इस 14 दिन के अंदर में आप अपने ईमेल एड्रेस को यूज ना करें, फेसबुक लॉग इन ना करें, 14 दिन के बाद आप चेक कर ले आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। चलिए आज का बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट जरूर करें।